सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। और आज करेंगे अपना रिव्यू अपना स्प्लेंडर का, और इसके चलाते हुए एक साल हो चुका है। तो इसे चलाते हुए हम शायद एक साल से ज़्यादा हो गया। मैंने इसको लिया था शायद दिसंबर को, नवंबर या दिसंबर को। तो इस पे चलाते हुए शायद हमारा हुआ है 10,000 के आसपास। और कैमरामैन थोड़ा पास में आओ। तो इसलिए क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है मैं पहले दिखाता हूँ एक बाय एक। तो पहले लेग गार्ड चेंज किया, और इसका कीमत है 650। और साइड जो बारन है इसका भी है 650। और जो व्हील कवर इंस्टॉल किया दोनों साइड का सामने पीछे, और इसका कीमत लगा है लगभग ये मान सकते हो 1400 रुपये। और नीचे जो देख सकते हो इंजन गार्ड, इसको भी मैंने इंस्टॉल किया है, ये भी लगा है 650। भाई क्या हो, सब कुछ 650 ही लग रहा है। और थोड़ा सामने दिखाओ, ये वाला जो AGG का फॉग लाइट लगा है वो हमको पड़ा है 1200 रुपये का। इसमें डुअल कलर आता है, मैं थोड़ा चला के दिखाता हूँ। पहला मोड आएगा व्हाइट, दूसरा आएगा येलो, तीसरा आएगा व्हाइट ब्लिंक, चौथा आएगा येलो ब्लिंक, पांचवा आएगा येलो और व्हाइट मिक्स। और ज्यादा से ज्यादा तो मोटिवेशन नहीं किया, ऐसे मान सकते हो एक दो चीज इंस्टॉल होके शायद मेरा 5,000 के आसपास हो गया मतलब खर्च। और थोड़ा चेन का भी थोड़ा थोड़ा इशू हो रहा है, और इतना ज़्यादा कुछ खर्च नहीं हुआ एक साल के अंदर। सिर्फ अपना इंजन ऑयल डाला और पेट्रोल, और लो मेंटेनेंस में ये बाइक है। और अगर आप सोच रहे हो मतलब कम बजट में 1 लाख के अंदर एक प्योर मतलब अच्छे क्वालिटी का बाइक, तो वो स्प्लेंडर ले सकते हो, मेरे तरफ से हाई रिकमेंडेड है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉक में। तब तक सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, और बाइक चलाते हुए ऑलवेज हेलमेट का यूज़ करो। तो गाइस इसको चलाते हुए